हेलो फ्रेंड्स, जय माता दीर। और यह है सुबह का टाइम, यानी कि सोमवार का है आज ही का दिन। और मैं 6 बजे उठी थी और 6 बजे उठ के फिर मैं झाड़ू लगाने लगी थी और दूध वाला आ गया था, तो दूध लेने जा रही हूँ। और सुबह 6 बजे, 6:30 बजे तक दूध वाला आ जाता है हमारे यहाँ। और हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी और अब हम झाड़ू लगा देते हैं, और क्योंकि थोड़ा सा बच्चे वगैरह लेट में ही जाते हैं और अर्जुन के तो पेपर होने वाले हैं, और हस्बैंड जी हमारे यहाँ 8 बजे निकल जाते हैं, तो उनका भी लंच तैयार करना है। तो वो इधर हम झाड़ू पहले लगा देते हैं और झाड़ू लगा के फिर हम तैयारी करेंगे खाने के लिए। और ये उठ गए हैं, इन्हें ट्यूशन जाना है, 7 बजे इनका इनका ट्यूशन है, तो अपने ये तैयार होंगे ट्यूशन के लिए निकल जाएंगे और हम तब तक लिए झाड़ू लगा के फटाफट जाने देंगे। मेरे हस्बैंड जी तब तक लिए तैयार होंगे और इधर हम लंच तैयार कर देते, तो बनाने वाले हैं राजमा और उधर चाय भी रख दिया है। ये देखिए सुबह का व्यू। और साथ ही साथ सूखी सब्जी भी बनाने वाले हूँ, क्योंकि छोटा बेटा है, पराठे सब्जी लेकर जाएगा क्योंकि वो रसीली बनी है। तो यहाँ पे हमने मेथी और आलू को कट कर लिया है और इसमें नमक, हल्दी, मिर्चा, धनिया डाल दिया है, इसे बॉयल होने के लिए रख दिया है और बाद में छौंका लगाऊंगी जब बॉयल हो जाएगा। और सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल इधर दौड़ भाग लगी रहती है।
इधर फटाफट हमने चावल चढ़ा दिए हैं और रोटियां भी सेक लेते हैं क्योंकि सुबह के लिए ना जल्दी हो जाता है और बहुत जल्दी जल्दी करने लगते हैं क्योंकि कम से कम नहीं तो आधे घंटे में हमें खाना पूरा तैयार करना पड़ता है। और इधर हमारी सूखी सब्जी भी बनके तैयार हो चुकी है, उधर राजमा बन गया है, चावल भी बन गया है और रोटियां भी सेक देते हैं और पैक कर दूंगी। और जो भी फ्रेंड्स हम चैनल पे आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल है उसको दबा दीजिए और सपोर्ट कीजिए। फिर इसके बाद सभी लोग चले गए थे और बच्चे वगैरह हैं चले गए थे स्कूल, हस्बैंड जी भी जा चुके हैं तो ये पर्दे हैं वगैरह ये भी धुल लेते हैं, नहाएंगे तो इसी के साथ हम धुल लेंगे क्योंकि ये सामने पर्दा पड़ा होता है गंदा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसे भी धुल लेंगे, दोनों पर्दे को हम धुल लेंगे क्योंकि धूल मिट्टी उड़ती रहती है। और फ्रेंड्स हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि हमारे यहाँ आप जानते हो कि मेरे भाई की शादी है और ऊपर से मेरी भाभी के जो पैर है वो टूट गया है। तो जब अभी फ़ोन आया था ना बहुत दुख हुआ कि यार घर में काम है और अकेली बेचारी करने वाली, अब कैसे क्या होगा कैसा नहीं। और माँ बाप होते हैं तो कुछ भी इतना हड़ता नहीं है, पर क्या करें कि बिना माँ बाप के बच्चों का क्या हाल होता है कि कुछ पूछो ना। तो मैं सुबह से बहुत ज़्यादा टेंशन में थी तो सोचा चलो थोड़ा बहुत जो भी वीडियो शेयर कर देती हूँ आपके साथ, क्योंकि कल मैंने आपके साथ शेयर किया था वीडियो डाला था पर उसमें येलो डॉलर आ गया था, फिर मैंने उसको प्राइवेट कर दिया था तो फिर डालने का मन नहीं हुआ था। फिर मैं आज ही सोची चलो जो कुछ है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और फिर इसके बाद जो मैंने शाम के कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे कंबल वगैरह हैं और वो सब हमने धुल लिए थे शाम ही को, फिर इसके बाद हम डाल देते हैं और सूख जाएंगे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो मोटे मोटे कपड़े हैं ज़रूरत नहीं है वो सब हम बक्से में रख देंगे क्योंकि ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा काफ़ी कपड़े भी हो जाते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और अब हमारे वीडियो बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं क्योंकि शादियां हैं, जो खास खास शादियां हैं उनकी वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ।